जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट, और यदि आपने इससे पहले कभी भी गणित नहीं पढ़ा है, ठीक है, कभी भी आपने गणित नहीं पढ़ा है, और यदि आप पहली बार गणित देख रहे हैं, गणित पढ़ रहे हैं, तो यह हमारा वादा है कि आज आपको डिफ्रेंसिएशन बनाने आ जाएगा, मतलब सीधे डिफ्रेंसिएशन बनाने आ जाएगा। ये हमारा वादा है कि एक क्लास में आपको डिफरेंशिएशन बनाना सिखा देंगे। आपको वीडियो में थोड़ा सा अंत तक बने रहना है और आसानी से आप डिफरेंशिएशन के सवाल को सॉल्व कीजिएगा। खतरनाक से खतरनाक डिफरेंशिएशन आपके सामने आ जाए, कितना भी खतरनाक से खतरनाक डिफरेंशिएशन का है ना हो, उस सवाल का जवाब आपके पास होगा और आप खतरनाक से खतरनाक डिफरेंशिएशन का सॉल्यूशन करेंगे एकदम आसानी से। लगेगा ही नहीं कि आपने डिफरेंशिएशन आप बना रहे हैं, ठीक है, आप एकदम आसानी से बना लीजिएगा। उससे पहले आप यदि हमारे साथ पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं क्लास 12th के लिए, क्लास 10 के लिए, क्लास 11th के लिए, तो सभी का जो है बहुत ही कम पैसे में एप्लीकेशन पर कोर्स लॉन्च करा दिया गया है, जहां से आप पढ़ सकते हैं आसानी से, और उस एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक बात और आप लोगों से कहना है कि हमारा जो है टाइमिंग फिक्स नहीं हो पा रहा है कि कितने बजे आप लोग को वीडियो दिया जाए। दो क्लास का वीडियो यहाँ पर अवेलेबल होगा, एक क्लास 10 का और एक क्लास 12th का, ठीक है, जिसमें आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स सिखाया जाएगा एकदम अलग लेवल का, अलग तरीके से। तो आप एक बार सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट से टाइमिंग बता दीजिएगा कि कितने बजे आप लोग के लिए वीडियो लेकर आए। किसी टाइम में वीडियो डाल देते हैं, मतलब हमें पता नहीं है कि किस टाइमिंग में आपके लिए वीडियो लेकर आए, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। इसलिए आप लोगों से ही सजेशन ले लेते हैं कि वो टाइमिंग क्या होगा जिस समय आप लोग को वीडियो चाहिए और आप आसानी से वीडियो को देख ले, और देखना ही नहीं है, सीखना है, ठीक है। चलिए तो आज हम आपको सिखाने वाले हैं डिफरेंशिएशन। पहले बेसिक बात करेंगे, थोड़ा सा तनिए सानी जरूरी है ना, वो बेसिक बात करना, तो तनिए सानी बेसिक बात करेंगे। आपका जो एक्सरसाइज कैलकुलस है, कैलकुलस आपके बोर्ड एग्जाम में 44 अंक का आपसे पूछा जाता है, मतलब ये तो एक लिमिट रखा गया 44 अंक का, 60 अंक का पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। तो उस तरीके से आप देख सकते हैं, तो आपका जो ये एक्सरसाइज होने वाला है, और कैलकुलस में दो चीज़ें आपको पढ़ना है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन मतलब होता है अवकलन, डिफरेंशिएशन मतलब होता है अवकलन, यानी अवकलन, ठीक है, और एक होता है आपका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब होता है समाकलन, ठीक है। ये दो एक्सरसाइज आपको पढ़ना है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन माने अवकलन, इंटीग्रेशन माने समाकलन, सुन लीजिएगा। अवकलन और समाकलन, अवकलन मतलब होता है अलग अलग कर देना, माने छितरा देना, जैसे एक मुट्ठी गहूँ है ना, छीट दीजिए तो वो हो गया अवकलन, क्या हो गया अवकलन, और फिर उसको बढ़नी से बटोर दीजिए तो क्या हो गया समाकलन। फिर से समझिए, एक मुट्ठी गहूँ लीजिए और छीट दीजिए, तो जैसे छीट दीजिएगा तो छितरा गया सब जगह, तो उसको कहेंगे अवकलन, वो क्या है आपका अवकलन, और फिर उस सबको समेट दीजिए ना, तो समेट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा समाकलन। तो यहाँ पर अवकलन और समाकलन के बारे में यदि आपसे पूछा जाए कि दोनों के बीच क्या संबंध है, तो आप कहिएगा दोनों एक दूसरे का उल्टा है, क्योंकि ओ का मतलब है छीटना है, ओ का मतलब है समेटना, तो दोनों एक दूसरे का उल्टा है। तो एकदम सीधा सीधा रिलेशन है कि अवकलन और समाकलन एक दूसरे का क्या होता है, विपरीत होता है, यानी कि उल्टा होता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन है, तो वो जो छितराना है उसका मतलब है परिवर्तन। जैसे मान लीजिए कि अभी सबको समेट देंगे तो एक जगह इतनी हो जाएगा, और छितरा देंगे तो पूरा छितरा जाएगा ना, तो वही होगा उसका परिवर्तन, तो उसको बोलते हैं क्या परिवर्तन। यानी जब किसी फंक्शन में अल्पतम परिवर्तन होता है, ठीक है, तो उस परिवर्तन को ज्ञात करने के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन का प्रयोग करते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि एक शांत मतलब तालाब के किनारे बैठे हैं, और आप क्या करते हैं कि एक पत्थर लेते हैं और तालाब में ऐसे मारते हैं, तो होता क्या है कि जिस समय वो पत्थर तालाब में गया, जहां पर वो पत्थर डूबा, वहां पर एक छोटा सा आकृति बनता है, और वो धीरे 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 बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बड़ा बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है, बढ़ते बढ़ते, तो क्या हो रहा है
कि एक छोटा से जो है इतना बड़ा आकृति में मतलब ये तब्दील हो गया, ये परिवर्तन हो गया, इसी को तो कहेंगे परिवर्तन। छोटा था इतना बड़ा छितर आ गया, तो यही है परिवर्तन। और इसी परिवर्तन को ज्ञात करने के लिए डिफरेंशिएशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक और एग्जांपल लीजिए ना, मान लीजिए कि गुब्बारा है, बैलून, जिसमें पिचका हुआ है। आप क्या करते हो, उसमें हवा डालते हैं। अभी पिचका हुआ है, इतनी छोटा है, आप उसमें हवा डाले तो हवा डालते डालते वो बैलून क्या हो जाता है, फूल के बड़ा हो जाता है। मतलब उसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। नहीं, छितर आ गया मतलब परिवर्तन हो रहा है। और उसी परिवर्तन को ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, डिफरेंशिएशन का प्रयोग किया जाता है। और जब आप किसी फंक्शन में परिवर्तन करते हैं, ठीक है, तो उस परिवर्तन को डी से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है, डी से। अब मान लीजिए कि कोई फंक्शन है, अभी हम बात करते हैं एक फंक्शन आपका, मान लीजिए कि बहुपदीय फलन है, समझिएगा ठीक से, बहुपदीय फलन है एक्स वाई वाला, ठीक है, बहुपदीय फलन है वाई बराबर, मान लीजिए कि एक्स के पावर पांच, वाई बराबर क्या है, एक्स के पावर पांच, और आपको कहा जा रहा है कि इसमें आपको परिवर्तन करना है, यानी इसका डिफरेंशिएशन करना है। सुनिए, फंक्शन है आपका वाई बराबर एक्स के पावर पांच, तो अब आपको करना है परिवर्तन। अच्छा, परिवर्तन किसके सापेक्ष होगा, तो परिवर्तन यहां एक्स के सापेक्ष किया जा रहा है, सापेक्ष मतलब एक्स के साथ, ठीक है, एक्स के साथ। जैसे एक्स में यदि परिवर्तन होगा तो एक्स के साथ साथ किसमें परिवर्तन होगा, वाई में भी परिवर्तन होगा। नहीं तो ये वाई किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्स पर। वाई का मान किस पर डिपेंड करेगा, एक्स पर। एक्स का मान बदलेगा तो वाई का मान भी बदलेगा। जैसे एक्स के जगह एक रखेंगे तो एक के पावर पांच बराबर एक, तो वाई का मान एक हो जाएगा। एक्स के जगह दो रखेंगे तो दो के पावर पांच कितना हो जाएगा, दो दुना चार, दुना आठ, दुना सोलह, दुना बत्तीस, दो के पावर पांच यानी बत्तीस। तो यहां पर वाई का वैल्यू किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्स पर। तो इसमें परिवर्तन करेंगे तभी तो ये परिवर्तन होगा, ठीक है। इसलिए एक्स के सापेक्ष परिवर्तन करेंगे, यहां लिखेंगे एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ, दोनों तरफ अवकलज करने पर, अवकलज करने पर। देखिए, जैसे ही दोनों तरफ अवकलज करेंगे तो जिसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन होगा उसको लिखना है बटा में, ध्यान रखिएगा। जिसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन होगा उसको कहां लिखेंगे, बटा में। और डिफरेंशिएशन को सूचित करते हैं डी से, किससे, डी से। तो यहां देखिए वाई में परिवर्तन हो रहा है तो डी वाई, वाई में परिवर्तन हो रहा है तो डी वाई, यानी यहां पर डी कह रहा है कि वाई में परिवर्तन हो रहा है। डी मतलब परिवर्तन, डी मतलब क्या, परिवर्तन। किसके सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है तो एक्स के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, इसलिए डी वाई बटे डी एक्स। चलिए, बराबर इधर हो जाएगा आपका डी एक्स के पावर पांच बटा में डी एक्स, डी एक्स के पावर पांच बटा में डी एक्स। जिसके सापेक्ष परिवर्तन होगा उसे कहां लिखना है आपको, बटा में। अब ध्यान दीजिएगा, जिसके सापेक्ष परिवर्तन होगा उसको कहां लिखना है, बटा में। अब आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, अभी हम बात कर रहे हैं बहुपदीय फलन की, कि यदि कोई भी फंक्शन होल पावर वाला है, यहां पर x के पावर में देखिए पांच है, होल पावर है ना, कोई भी फंक्शन, किसी भी फंक्शन की बात कर लीजिए, लेकिन उसमें से सिर्फ और सिर्फ बहुपदीय फलन की अभी हम बात कर रहे हैं। कोई भी फलन यदि होल पावर वाला है, होल पावर मतलब समझिएगा, ऐसा होता है होल पावर, यहां पर रहेगा कोई फंक्शन या कोई संख्या और उसके टोटल के पावर यहां पर आपको दिखेगा, ब्रैकेट में घेर कर टोटल के पावर, तो इसको बोलते हैं होल पावर। इसको क्या बोलते हैं बाबू, होल पावर। तो जब फंक्शन होल पावर वाला हो, जब फंक्शन होल पावर वाला हो तो वैसे कंडीशन में उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एकदम सुन लीजिएगा, जब फंक्शन होल पावर वाला होगा तो वैसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सुनिएगा, वैसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखिएगा, जितना पावर में रहेगा उसको आगू में लिखेंगे, जितना पावर में रहेगा उसको आगू में लिखेंगे और फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे, जो फंक्शन रहेगा उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे और पावर में से एक कम करके पावर में लिखेंगे, पावर में से एक कम करके पावर में लिखेंगे तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा। देख लीजिएगा, ये x के पावर पांच का डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है,
एक और सवाल, जैसे मान लीजिए कि y बराबर यहां लिखे 18 y बराबर x के पावर 99 और आपको कहा जा रहा है कि इसका करना है डिफरेंशिएशन। क्या करना है इसका? डिफरेंशिएशन। सुनो कैसे डिफरेंशिएशन होगा। आए पहले x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलज करने पर क्या हो जाएगा, dy बटा dx बराबर d x के पावर 99 बटा में dx, x के पावर 99 बटा में dx। ध्यान दीजिएगा, हो गया dy बटा dx बराबर, क्या बोले हैं कि जब होल पावर वाला रहेगा, जब होल पावर वाला रहेगा तो जितना पावर में रहेगा उसको आगू में लिखेंगे, जितना पावर में रहेगा उसको आगू में लिखेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे और पावर में से एक कम कर लेंगे, पावर में से एक कम कर लेंगे तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, पावर में से एक कम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। चलिए अब आपसे यदि कहा जाए कि यहां y बराबर है x के पावर 12 प्लस x के पावर 10, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए एकदम आराम से, एकदम आराम से, जैसे जैसे है वैसे वैसे डिफरेंशिएशन करना है, तनिया को नहीं घबराना है, आराम से देखिएगा। y बराबर है x के पावर 12 x के पावर 10 और इसका करना है आपको डिफरेंशिएशन। कैसे डिफरेंशिएशन होगा, x के सापेक्ष दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे अवकलज, तो dy बटा dx बराबर क्या हो जाएगा, dx के पावर 12 बटा में dx प्लस है तो प्लस dx के पावर 10 बटा में dx, यानी dy बटा dx बराबर हो जाएगा। देखिए होल पावर वाला है तो होल पावर वाला का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, जितना पावर में रहेगा उसको आगू में लिखेंगे, जितना पावर में रहेगा उसको आगू में लिखेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे, पावर में से एक कम कर लेंगे, पावर में से एक कम कर लेंगे प्लस, फिर से जितना पावर में रहेगा उसको आगू में लिखेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे आप पावर में से एक कम कर लेंगे, डिफरेंशिएशन बन गया। ठीक है, तो ये तो एक छोटा सा डेमो आपको डिफरेंशिएशन का दिए हैं। जैसे ही टाइम सेट हो जाता है, जैसे ही आप लोग टाइमिंग बता देते हैं कि किस टाइम में आप लोग को वीडियो चाहिए, फिर एक मजेदार तरीके से आप लोग को वीडियो दिया जाएगा उस टाइम में हर रोज। ठीक है, हाँ तो आप लोगों से हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग एक बार जल्दी से जल्दी नीचे कमेंट कर दीजिएगा और थोड़ा सा वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जो वो वीडियो आएगा उसमें एकदम अलग टाइप से आपको देखने को मिलेगा, एक अलग तरीका आपको देखने को मिलेगा डिफरेंशिएशन का, या फिर गणित सीखने का एक अलग तरीके का मौका आपको दिया जा रहा है उसमें। ठीक है, तो आप आसानी से गणित को सीख सकते हैं। ये एक छोटा सा मतलब आपको नज़ारा पेश किया गया है अभी डिफरेंशिएशन का, और ऐसे ऐसे और भी धमाके होने वाले हैं, कितने धमाके होंगे और कितने धमाके आप लोग को देखने को मिलेगा इसका अंदाजा नहीं है। ठीक है, तो आप लोग जरूर से जरूर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी लोगों तक, ताकि सभी लोगों को इस बात की जानकारी मिल जाए कि अब आप लोग को डेली डेली वीडियो मिलने वाला है और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आसानी से पूरा का पूरा गणित आपको सिखाया जाएगा यहाँ पर एकदम अलग तरीके से। ठीक है, तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। और यदि हाँ आप लोगों ने डिफरेंशिएशन सीख लिया है तो एक क्वेश्चन यहाँ पर हम डाल देते हैं, y बराबर x के पावर 101 प्लस x के पावर 100। इस सवाल का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा ताकि हमें जानकारी हो जाए कि हमने जो पढ़ाया वो आपने 100% सीखा है। ठीक है, बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट हमारा है, आप जरूर पूरा करेंगे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।